हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रोस किचन। मैं हूं आपकी होस्ट संध्या और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूं दो तरह की चटनियां जो कि आप अपने कई रेसिपीज में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारी एक चटनी है हरी चटनी और दूसरी चटनी है लहसुन की मूंगफली की चटनी। तो जो लहसुन और मूंगफली की चटनी है वो कि महाराष्ट्र में बहुत फेमस है और इसे वड़ा पाव, समोसा वड़ा या जो भी आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और कई चीज़ों के साथ खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही ईजिली बन जाती है। और जो हरी चटनी है वो तो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है, सैंडविच में, बर्गर में, आप उसे कबाब के साथ में खा सकते हो, पापड़ के साथ सर्व कर सकते हो, बहुत तरह से यूज़ कर सकते हो, चाट में यूज़ कर सकते हो। चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। इसके लिए 6-7 लहसुन की कलियां, मेरी लहसुन की कलियां बड़ी हैं, अगर आपकी छोटी हैं तो इसे आप 8 से 10 कर लें। 7-8 लाल मिर्च, आधा कप भुनी हुई मूंगफली के दाने, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, नमक स्वादानुसार। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, उसमें भुने हुए दाने डाल देंगे, मिर्ची लाल ऐड कर देंगे, लहसुन ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे, अमचूर ऐड कर देंगे और इसको हम पीस लेंगे। ये देखिए ये पीस गया है और ये अभी थोड़ा सा गीला सा लगेगा क्योंकि इसमें लहसुन है, थोड़ी देर बाद ये ड्राई हो जाता है और आप इसे स्टोर करके 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख सकते हैं। अब हरी धनिया की चटनी बनाने के लिए मैंने हरी धनिया ले ली है और 7-8 हरी मिर्ची, लहसुन की 7-8 कलियाँ, 1 नींबू का रस और अदरक 2 इंच, नमक स्वादानुसार। ये 100 ग्राम के करीब हरा धनिया है, इसमें एक मैंने एक ग्राइंडिंग जार में ले लिया है। हरी मिर्ची, लहसुन ऐड कर लेंगे, अदरक ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे। अब इसे थोड़ा ग्राइंड कर लेते हैं और बीच में इसमें थोड़ा पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए अभी एक बार किया, अब इसमें मैं 1/2 कप पानी डाल दे रही हूँ। डाल करके इसे फिर से ग्राइंड कर लेंगे क्योंकि इसका हमें स्मूथ पेस्ट बनाना है। ये देखिए चटनी बन करके तैयार है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है। और अब इसमें क्या करेंगे, नींबू का रस डाल देंगे, बस हल्का सा हिला दें, ये मिक्स हो जाएगा। अब इसे एक बाउल में निकाल लें, सर्व करें। तो आप ये दोनों चटनियाँ बना करके ज़रूर ट्राई करें। आप ग्रीन चटनी को किसी भी स्नैक्स के साथ में इंजॉय कर सकते हैं और जो मैंने मूंगफली और लहसुन की चटनी बनाई है इसे समोसे पाव के साथ में, वड़ा पाव के साथ में या फिर सिंपल खाने के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूर मुझे अपने फ़ीडबैक दें आपको ये चटनी कैसी लगी।